मगर बावजूद इसके मेरा दावा है कि मेरी दुआ से उनकी मुश्किलात दूर हो सकती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का हमारी जानों पर तसर्रुफ और कानून के मतहत है, और इस बारे में दुआ की कबूलियत एक और कानून के मतहत है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए ईरान के बादशाह ने इरादा किया था, मगर अभी पकड़ने वाले ना आए थे, सिर्फ पैगाम लेकर यमन के गवर्नर के आदमी पहुँचे थे, मगर आपने उनसे फरमाया कि जाओ अपने आका से कह दो कि हम नहीं आते, तुम्हारे खुदा को हमारे खुदा ने मार दिया। अल्लाह ताला ने उस बादशाह के लड़के को तहरीक की और उसने अपने बाप को मार दिया, मगर उहद की जंग में दुश्मन ने आप पर हमला किया, पत्थर मारे, आपके दांत टूट गए, सर जख्मी हो गया और खौद की कीलें सर में खुब गईं, आप बेहोश होकर गिर पड़े और आपके ऊपर बाद और सहाबा गिरे, और सहाबा ने ख्याल कर लिया कि आप शहीद हो गए। अब कोई कहे कि अगर अल्लाह ताला को आपकी इतनी इज्जत मंजूर थी कि आपकी खातर ईरान के बादशाह को इतनी दूर मरवा दिया, तो इसने उहद के मैदान में काफरों को आपके इस तरह पत्थर क्यों काफरों को आपको इस तरह पत्थर क्यों मारने दिए? तो ये इतराज़ात दुरुस्त नहीं, ये अल्लाह ताला की मसलतें और हिकमतें होती हैं, ये राज हैं। बाज़ मौके पर वो थोड़ी सी बात पर पकड़ लेता है और बाज़ वहाँ किसी मसलियत के मतहत ढील देता है, ता इंसान की बेबसी और बेसरसमानी ज़ाहिर हो।